नमस्कार दोस्तों, रेखा ब्लॉगर में आप सबका स्वागत है। आज आपके लिए हम एक नई रेसिपी लेकर हाजिर हो गए हैं, जो हम बनाएंगे ओरियो बिस्किट के और पार्ले जी बिस्किट की नई रेसिपी। तो आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो जल्दी से सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और चलिए कैसे बनाते हैं एक नई रेसिपी। तो आप हमारी पूरी वीडियो लास्ट तक ज़रूर देखना। दोस्तों देखिए, हमने यहाँ पर बिस्किट लिया है पार्ले जी और ओरियो, तो दो पार्ले जी हैं और दो ओरियो हैं। तो जो हम नई रेसिपी बनाएंगे आपको हम अपनी वीडियो में दिखाएंगे। तो हमें इन बिस्कुट को क्या करना है, ऐसे निकाल लेना है पहले। ऐसे सारे बिस्किट को हमें बाहर निकाल लेना है पैकेट से। ओरियो को भी इसी तरीके से बाहर निकाल लेना है पैकेट से। तो ऐसे इनको निकाल लेना है। जो ओरियो बिस्किट का ये क्रीम है इसे हम बाहर निकाल लेंगे। तो इस तरीके से इस चम्मच की मदद से इसकी क्रीम है निकाल लेना है बाहर। चम्मच की मदद से तरीके से सारी क्रीम निकल जाएगी। तो दोस्तों देखिए, हमने ये सारे ओरियो बिस्किट की क्रीम एक कटोरी में बाहर निकाल लिया है। अब इन्हें क्या करना है, हमें पीस लेना है। तो हम मिक्सी में पीसेंगे इनको। तो दोस्तों हमें पीसने से पहले हम इन बिस्कुट को दो टुकड़ों में कर लेंगे, तो छोटे छोटे। तो इस तरीके से हम इन्हें छोटे टुकड़े कर लेंगे ताकि हमारे ये मिक्सी में अच्छे से सही से पीस जाए जल्दी से। तो देखिए, हमने इस तरीके से मिक्सी में पीस लिया है ओरियो बिस्किट और पार्ले जी। तो अब हम इन्हें क्या करेंगे, एक दूध लेंगे और दूध से हम इसे आटे की तरह गूंदेंगे। तो थोड़ा थोड़ा करके हम दूध डालेंगे। तो दोस्तों इस तरीके से हमें आटे की तरह इन बिस्कुट को गूंदना है। और अगर आपके पास दूध नहीं है तो आप पानी से गूंद सकते हैं। और ये दूध कोई सा भी ले सकते हैं, चाहे कच्चा भी ले सकते हैं या पका करके भी ले सकते हैं, कोई सा भी दूध ले सकते हैं। और पानी से भी अच्छा गूंद जाएगा, अच्छा बन जाएगा ये। तो हमने इस तरीके से आटे के जैसे इसे गूंद लिया है। तो दोस्तों देखिए, इस तरीके से हमने इस आटे की तरह इसे गूंद लिया है बिस्किट को। अब इधर ऐसे ही ओरियो बिस्किट को हम गूंद लेंगे दूध की मदद से। तो थोड़ा थोड़ा करके इसमें भी दूध हम डालेंगे। तो दोस्तों देखिए, हमने ये ओरियो बिस्किट को इस तरीके से आटे की तरह से गूंद लिया है। अब इन्हें 5 मिनट के लिए ढक के रख देंगे। और एक बात और आपसे बताना चाहूँगा, अगर आपके पास मिक्सी नहीं है, मिक्सी ग्राइंड नहीं है, तो आप इसे तोड़कर बिस्किट और थोड़ी देर के लिए दूध में डुबो के रख दो। फिर उसके बाद इसी तरीके से आटे के तरीके से गूंद के रख दो। तो आप बना सकते हैं बहुत ही आसानी से इस रेसिपी को। तो दोस्तों देखिए, हमने ये जो क्रीम बिस्किट से निकाला था, तो इस तरीके से इसे भी ऐसे हम गोला बनाकर रख देंगे। तो दोस्तों देखिए, 5 मिनट हो गए हैं। इस बिस्किट को हम इसी आटे की तरह से गूंद लेंगे ताकि हमारा ये जो है अच्छे से सेट हो जाए आटे की तरह से। तो दोस्तों देखिए, इस तरीके से इस क्रीम को हमने लंबी कर लिया है। और ये जो बिस्किट है इसे भी गूंद के इस तरीके से रख दिए लंबी करके। तो दोस्तों हमें ये जो हम इसमें कैंडी बनाएंगे, चॉकलेट कैंडी, तो हमें ये पहले क्रीम बिस्किट को गोला बनाना है और ये चॉकलेटी बिस्किट का गोला बनाना है। तो ये जो चॉकलेटी का हमने बिस्किट का गोला बनाया है इसे थोड़ा चौड़ा कर देना है, ऐसे इस तरीके से ऐसे हथेली की मदद से हमें चौड़ा कर देना है। फिर जो हमने ये क्रीम का गोला बनाया है इसके अंदर हमें
भर देना है इस तरीके से। तो इसका भी इस तरीके से मुंह इसका जोड़ देना है हल्के हल्के हाथ से, ज़्यादा हमें इसमें ताकत नहीं लगानी है, बस ऐसे जोड़ करके ऐसे बॉल सा हमें हल्के हल्के हाथ से इसे बॉल बना लेना है। तो दोस्तों इसका भी जो हमने ये पार्ले जी बिस्किट का लिया है इसका भी बड़ा सा बॉल बनाना है इस तरीके से, ऐसे भी चौड़ा सा कर लेना है रोटी के तरीके से। तो दोस्तों देखिए हमने इस तरीके से इसे चौड़ी कर लिया है रोटी की तरह से, और इसे भी इसी के अंदर डालेंगे, बीच में भरेंगे, और इसका भी ऐसी तरीके से हम मुंह जोड़ देंगे, और इसे हल्के हल्के हाथ से हम ऐसे बंद करेंगे। तो इसी तरीके से इसका भी इस तरीके से मुंह जोड़ देना है, फिर हल्के हल्के हाथ से इसे हम बॉल सा बना लेंगे। तो दोस्तों देखिए इस तरीके से हमने इसमें भर दिया है चॉकलेट को और क्रीम को। तो ये बहुत ही आसान सी हम रेसिपी बना रहे हैं, इसे बच्चे भी और बड़े भी सबको पसंद आएगी ये रेसिपी। आप ज़रूर इस रेसिपी को बनाइए जैसे हमने बनाया है, तो इसी तरीके से बना लेना है। ये अभी हम और बनाएंगे ऐसे ही, तो हम इसे कई तरीके से बनाएंगे, एक चॉकलेटी और एक ये क्रीम का बिस्किट। दोस्तों देखिए इस तरीके से हम इसे बना लेंगे फिर से। तो इस बार हम ये पार्ले जी बिस्किट का बनाएंगे पहले, ये जो ब्राउन कलर का है, और चॉकलेटी ऊपर रखेंगे इस बार और क्रीम को अंदर कर देंगे। तो इसे ऐसे ही बंद कर देना है इसका मुंह, और गोला बना लेना है ऐसे ही। तो दोस्तों देखिए हमने ये चॉकलेटी बिस्किट का भी इस तरीके से बना लिया है, लंबी बड़ी रोटी की तरह, और इसे भी ऐसे ही बंद करेंगे। इस बार हमारा ये ब्राउन बिस्किट अंदर रहेगा और चॉकलेटी ऊपर रहेगी। तो इस तरीके से हमें इसका बंद कर देना है इस तरीके ऐसे। तो दोस्तों इसका भी हम इस तरीके से गोला सा बना लेंगे। ये जो हमारा चॉकलेटी बिस्किट का है, ये हमारा ये फट नहीं रहा है, ये पार्ले जी बिस्किट का थोड़ा सा गोला बनाने में फटता है, तो उसे संभाल के बनाना है उसका गोला। ये तो एकदम चिकना सा हो रहा है, तो बन गया, बन के तैयार हो गया ये। तो दोस्तों देखिए हमारी ये रेसिपी बनके तैयार हो गई है, पार्ले जी बिस्किट का और ओरियो बिस्किट का। तो कैसी लगी हमारी ये रेसिपी, और ये बनाना भी बहुत ही आसान है दोस्तों, बस इसमें और कुछ नहीं लेना है, बिस्किट लेना और दूध लेना है बस, जैसे हमने आपको दिखाया है हमने अपनी रेसिपी में वैसे ही बनाना है, और हमने इसमें कुछ भी नहीं मिलाया है। अब बनके ये हमारे लड्डू से बनके तैयार हो गए हैं, और हमने इसे जो बनाया तीन परत से बनाया है, हम आपको काट के दिखाते हैं इसके अंदर कितना अच्छा लगेगा जो हमने ये परत से बनाए हैं। तो देखिए जो है आपके सामने ये रेसिपी, तो कितने अच्छे लग रहे हैं जो तीन परत हैं, एक चॉकलेटी, एक ब्लैक, एक ब्राउन, एक क्रीम। तो तीन परत से हमने बनाया है ये रेसिपी को। तो कैसी लगी हमारी दोस्तों ये रेसिपी, आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइए कि कैसे हमारी ये रेसिपी लगी। आप ज़रूर बनाइए इस रेसिपी को। तो दोस्तों अब हम ये जो ब्राउन बिस्किट का हमने बनाया है इसे भी आपको हम काट के दिखा रहे हैं, इसके देखना है इसके अंदर का परत कैसा है। तो दोस्तों देखिए ये ब्राउन बिस्किट का अंदर चॉकलेटी और क्रीम। तो कैसे लगी हमारी दोस्तों रेसिपी, और आप हमें जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक करिए, और ज़्यादा से ज़्यादा हो सके तो हमारी वीडियो शेयर करिए। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अब बाय बाय, मुस्कुराते रहिए, हंसते रहिए।